कड़ी सुरक्षा के बीच 14 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरा टैंकर मुरादाबाद पहुंचा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी भी सामने आ रही है। हर तरफ ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से सरकार ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरे राज्यों से भी लिक्विड ऑक्सीजन मांगकर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं और फिर उन गैस सिलेंडरों को अस्पतालों में भेजा जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ऑक्सीजन की कमी की किसी भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत ना हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने झारखंड के बेकारों से ट्रेन के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन के काफ़ी टैंकर मंगाए। इस स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन से रास्ते में जगह जगह पड़ने वाले स्टेशनों पर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर उतारते हुए यह ट्रेन बरेली पहुंची, जहां बरेली से 14 टन लिक्विड ऑक्सीजन भरा टैंकर ट्रेन से उतारकर पुलिस की सुरक्षा में सड़क मार्ग से मुरादाबाद पहुंचा। बरेली से 100 किलोमीटर की दूरी मुरादाबाद तक इस टैंकर ने स्पेशल कॉरिडोर के माध्यम से मात्र 1 घंटा 20 मिनट में पूरी की। इस लिक्विड ऑक्सीजन भरे टैंकर को ऑक्सीजन प्लांट में लगाया गया, जहां से अब ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कर जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में और मरीजों में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की जाएगी। सरकार पूरी तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने पर जोर दे रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, उपेंद्र सिंह। हाँ, तो उपेंद्र जी कहाँ से लेके आ रहा है? बोकारो से। अच्छा, सफल। कितनी गैस ला रहे हैं? 14 टन। 14 टन कब लेके चले थे? परसों लेके चले थे। आज कहाँ पे लाए? मुरादाबाद। कोई दिक्कत तो नहीं? परेशानी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लेके जाएंगे? हाँ, खाली लेके जाएंगे। खाली। इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से आने में करीब वही 25 घंटे 20 घंटे। 25 घंटे। तो कहाँ से चले थे आप? बोकारो से। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सर, क्या नाम है? भगवान दास। कहाँ पोस्टिंग है आप? मुरादाबाद। सर, आज ऑक्सीजन लेके आए, कहाँ से लेकर आए? बरेली से। सर, कितना लाए जी? इसके बारे में नहीं पता। सर, कितनी देर में लिया है? लगे होंगे 1-1.5 घंटे लगा। किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ना, कोई परेशानी नहीं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, बिना ग्रीन कॉरिडोर का इसके बारे में? इसके बाद चलिए, ठीक है।